नमस्कार, आयुष्मान भारत से जुड़ी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। रांची में पिछले महीने की 23 तारीख को आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए समग्र दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उनका ध्यान वहनीय हेल्थ केयर और निवारक हेल्थ केयर दोनों पर केंद्रित है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया था कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े सभी लोगों के प्रयासों और डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्यकर्मियों एवं आशा एएनएम के समर्पण की भावना से यह योजना सफल होगी। और प्रेस ग्रेजुएट नई सीटें जोड़ी गई है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले 4-5 वर्षों के दौरान देश में 1,00,000 नए डॉक्टर तैयार करने की क्षमता विकसित, यानी भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स दोनों पर ध्यान दिया जा रहा है। साथियों, दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि शिक्षा की तरह ही स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च खर्च नहीं, वो निवेश होता है। अच्छी शिक्षा और कौशल के अभाव में समाज और देश का विकास संभव नहीं है। प्रधानमंत्री के इस विश्वास का असर भी अब खूब दिख रहा है। करीब एक महीने पहले शुरू हुई यह योजना लोगों का विश्वास और भरोसा जीतने में भी कामयाब हो रही है। इस योजना के तहत देश भर में 2,00,000 से ज्यादा मरीज अस्पतालों में पंजीकृत हुए हैं। मरीजों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकारी के साथ साथ निजी अस्पतालों में आयुष्मान मित्रों की तैनाती की गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 90% से ज्यादा मरीज इस व्यवस्था से खुश दिखे। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए कि आप इस योजना का फायदा कैसे उठा सकते हैं। सर, हम यहाँ पे पहले उनका एलिजिबिलिटी टेस्ट करते हैं कि वो इस स्कीम में है या नहीं है। इसके लिए हमारी एक आईडी है www.mera.pm.pmj.gov.in, उस पर एक आईडी खुलती है जिसमें हम आप कोई भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें अपने मोबाइल नंबर डाल के OTP डाल के ये पूरी शीट खुल जाए, जिसमें हम पहले उनका स्टेट देखते हैं कि वो किस स्टेट से हैं। अगर वो बिहार से हैं तो वो इसमें बिहार डाल के, उसके बाद जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, बिहार डाल के इसके बाद कैटेगरी आती है, हम बाय नेम आधार कार्ड से और या फिर राशन कार्ड नंबर से, मोबाइल नंबर से और RSBY, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जिसमें 2011 में कार्ड बना था ग्रीन कलर का, उसका जो नंबर होता है वो नंबर डालते हैं। जैसे कि यहाँ मैं दिखाना चाहती हूँ बाय नेम से यहाँ पे नाम और उनका जो भी फॉर्मेलिटी है, वो जो भी उनकी डिटेल है, वो करके यहाँ पे सर्च करते हैं सर। और सेकंड ये है हमारा राशन कार्ड नंबर, यहाँ पे उनका राशन कार्ड नंबर होता है जिसमें पूरी फैमिली का नाम होता है। हम मरीज आते हैं तो क्या पूछते हैं? पहले पेशेंट आते हैं, अगर उनके पास कोई आईडी होती है हम उनका वेरीफाई करते हैं। पहले उनका पूरा डिटेल डालते हैं 4 times, पहले फ़ोन नंबर से, अगर फ़ोन नंबर भी नहीं है नाम से, अगर नाम उनका कोई और पेशेंट है किसी और का बनवाने हैं उनका और उनके पास अगर आईडी है तो हम उस आईडी से भी सर्च कर सकते हैं। BIS क्या होता है? बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होता है सर, जिससे कि गोल्डन कार्ड जनरेट होता है, देन उसके बाद आगे का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। इससे क्या होता है, इस गोल्डन कार्ड को लेकर क्या करता है? इस गोल्डन कार्ड को ले जाके सर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर इसको दिखा के वो डेट सर्जरी वगैरह उनका फ्री ट्रीटमेंट होता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ जरूरतमंदों तक पहुँचाने के लिए सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पताल भी आगे आ रहे हैं। रांची के मेडिका अस्पताल में इस योजना के तहत कई मरीजों की गंभीर बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। आयुष्मान भारत के तहत रामगढ़ निवासी मनोज वर्मा का रांची के मेडिका अस्पताल में मुफ्त इलाज हो रहा है। अचानक ब्रेन स्ट्रोक होने के कारण उन्हें यहां भर्ती कराना पड़ा। उनके पुत्र अमित बताते हैं कि दबे पांव आई इस मुसीबत के लिए वे बिल्कुल तैयार नहीं थे। आयुष्मान भारत से उनके पिता को नई जिंदगी मिली। आयुष्मान भारत का पूरी तरह लाभ मिल रहा है इस हॉस्पिटल के थ्रू और काफी बेटर है। मेरे फादर मनोज वर्मा, उनका इलाज चल ही रहा है। बिल्कुल ऐसी ही कहानी दुमका के ओम प्रकाश शर्मा की है, जिन्हें हार्ट अटैक के बाद यहां लाया गया। अब वे खतरे से बाहर हैं। ओम प्रकाश के पुत्र अजय की माने तो आयुष्मान भारत का सहारा ना होता तो वे अपने पिता को शायद खो देते। ये मैंने अपने फादर को सोमवार में एडमिट यहाँ कराया था रांची के मेडिका हॉस्पिटल में और लगभग पूरा ही फायदा है उनको। यहाँ पे मान लीजिए हमें किसी प्रकार का ये आयुष्मान भारत के थ्रू से मतलब कोई अमाउंट नहीं देना पड़ा और फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हुआ उनका यहाँ पे।
मेडिका अस्पताल के महाप्रबंधक अनिल कुमार बताते हैं कि योजना के लाभुकों को विश्व स्तरीय इलाज के साथ यहां उनका गोल्डन कार्ड भी बनाने की समुचित व्यवस्था की गई है। देखिए, प्रधानमंत्री जो जीवन बीमा योजना जो प्रधानमंत्री जी लॉन्च किया, उसको हमारे पूरे मेडिकल ग्रुप ने सबसे पहले रजिस्टर्ड किया था और हम पहले दिन से ही मरीजों का इलाज करना चालू कर देते। अभी तक हमारे अस्पताल में कुल आईपीडी में 21 मरीजों ने इलाज मतलब करवाया है, जिनमें से 16 पेशेंट डिस्चार्ज हो गए हैं और 6 पेशेंट अभी भी एडमिटेड हैं यहाँ पे। आयुष्मान योजना के तहत कई गंभीर बीमारियों का इलाज नज़दीकी निजी अस्पतालों में होने लगा है, जो कल तक गरीब मरीजों के पहुंच से कोसों दूर थी। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना में गरीब के तौर पर चिन्हित किए गए सभी लोगों को इस योजना के लिए पात्र माना गया है। 5 लाख रुपए तक के बीमा कवर के लिए उम्र की भी कोई बाध्यता नहीं है और ना ही परिवार के आकार को लेकर कोई बंदिश है। इस योजना का मकसद सभी गरीबों को हेल्थ प्रोग्राम से जोड़ना है। यह योजना गरीबों के लिए जीवन रक्षक साबित हो रही है। कल तक किसी तरह पैसे की जुगाड़ कर अस्पतालों तक पहुंचने वाले लोग अब निश्चिंत होकर बेहतर इलाज करा रहे हैं। हजारीबाग में भी निजी अस्पतालों में मरीजों को इस योजना का फायदा मिल रहा है। पसे कटकम दाग की रहने वाली अरुणा देवी का आयुष्मान भारत योजना के जरिए हजारीबाग के एक निजी अस्पताल में हर्निया का ऑपरेशन हुआ है। गरीबी के कारण ये कभी निजी अस्पताल में नहीं आई थी, लेकिन अब वो बेहतर इलाज करा रही हैं। उन्हें लगता है कि इस योजना ने गरीबों की जिंदगी की रक्षा की है। हर्निया के इलाज के लिए हम आयुष्मान भारत का कार्ड लेके हम यहाँ आए डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन 8 तारीख को सोमवार रात में मेरा ऑपरेशन किए, अभी मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ। चतरा के टंडवा बुकरू निवासी मोहम्मद निजामुद्दीन की मां का इलाज भी आईसीयू में चल रहा है। निजामुद्दीन को लगता है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने उनकी मां को दोबारा जिंदगी दी है। मान भारत के तहत जो है कि इनका इलाज चला, इसलिए इस कार्यक्रम को बहुत बड़ा जो प्रधानमंत्री योजना जो चलाए हैं बहुत सराहनीय है। चौपारण के जयराम साव भी अब बिना पैसे की चिंता के अपने पिता का इलाज करा रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस योजना से अब गरीबों को ना तो जेवर बेचना पड़ेगा और ना ही जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी। पिताजी जोड़ी सौ इनका नाम है और इनका हरनिया का शिकार था और आज करीब 1.5 साल से इसका दिक्कत था, तो सक्षम नहीं हो पा रहे थे। आज इनका नरेंद्र मोदी जी का जो निकला हुआ है, जो सबको मिल रहा है आयुष्मान भारत का, तो इस योजना से बहुत गरीब लोग मतलब लाभान्वित है। हजारीबाग के क्षितिज अस्पताल के प्रशासक अंजनी कुमार पाठक बताते हैं कि आयुष्मान भारत के तहत यहां दर्जनों मरीजों का ऑपरेशन किया जा चुका है। ऐसी योजना शुरू की गई है, तभी से हम लोगों ने काम करना शुरू किया और अभी तक का जो डेटा हमारे पास में है, हम लोगों ने अभी तक 12 मरीज का सर्जरी और मेडिसिन दोनों मिला के हम लोगों ने उनका लाभ उन 12 मरीजों तक पहुंचा पाए हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से गरीबों के जीवन की रक्षा हो रही है। कल तक पैसे की चिंता से 2-4 होने वाले मरीज अब बेफिक्र होकर अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। हजारीबाग से शाद्वल कुमार की रिपोर्ट। आयुष्मान भारत के तहत गढ़वा की सुशीला देवी का निजी अस्पताल में ऑपरेशन किया गया है। दरअसल तकनीकी दिक्कतों की वजह से उनका इलाज नहीं हो पा रहा था। ऐसे में गढ़वा के उपायुक्त की पहल के बाद सुशीला को इस योजना का फायदा मिला। मुख्यमंत्री ने गढ़वा के उपायुक्त की इस पहल की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना को सही तरीके से लागू करने में हम सबों को पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करना है। अब हम आपको दिखाते हैं लोहरदगा निवासी रंथू उरांव की कहानी, जिन्हें आयुष्मान भारत योजना से काफी सहारा मिला। रांची स्थित रिम्स के न्यूरो वार्ड में इलाजरत ये है लोहरदगा निवासी रंथू उरांव। पैसे के अभाव में रंथू पिछले कई वर्षों से स्पाइनल कॉर्ड में दर्द की मार झेल रहे थे। अब वे आयुष्मान भारत योजना के तहत रिम्स में अपना मुफ्त और बेहतर इलाज करा रहे हैं। हम लोग बहुत जगह उसको दिखाए, बहुत जगह दिखाए, लेकिन किसी जगह हम लोग का जांच सही से नहीं हो पाया। शैलेश सर है, तो हम लोग को बताया कि इसको सबसे अच्छा इलाज होगा कि रिम्स में ले जाइए,
इसीलिए हम लोग रिम्स लाए। रिम्स में लाए उसके बाद हम लोग को सारा जांच करवाए, उसके बाद हम लोग को बीमारी पता चला। रंथू की पत्नी और बहन को लगता है कि उनके लिए आयुष्मान भारत योजना किसी वरदान से कम नहीं है। उन्हें मालूम है कि स्पाइनल कोर्ड का ऑपरेशन वे अपने खर्च से नहीं करा सकती हैं। मेरा भाई रंथू राव का स्पाइनल का ऑपरेशन हुआ है और आयुष्मान भारत से हुआ है, सही इलाज चल रहे हैं। आयुष्मान भारत मेरा पति का आयुष्मान भारत के तहत से ऑपरेशन हुआ है, मुफ्त में ऑपरेशन हुआ है। इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर रिम्स प्रबंधन पूरी तरह से गंभीर है। आयुष्मान भारत योजना को सफल बनाने के लिए गठित टीम दिन रात एक कर मरीजों और लाभार्थियों की सुविधा के लिए काम कर रही है। रिम्स रांची में जब से आयुष्मान भारत का उद्घाटन हुआ है फॉर्मल रूप से, तब से यहाँ पे प्रतिदिन काम हो रहा है। बीच में दो तीन दिन थोड़ा सा सर्विस में या सर्वर में ब्रेकडाउन था जिसके कारण से रुकावट आई थी, अदरवाइज यहाँ पे डेली बेसिस पे काम हो रहा है। सुबह 8 बजे से लेके अभी रात 9 बजे तक हम लोग काउंटर जो कियोस्क है उसको हम लोग चला रहे हैं, वहाँ पे दो दो हमारे आयुष्मान आरोग्य मित्र बैठते हैं। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना निश्चित रूप से जरूरतमंद लोगों के लिए सहारा बना है। इस योजना का लाभ लेकर अब लोग इलाज के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाने से बच रहे हैं। नक्सल प्रभावित गुमला जिले के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना के तहत 2 हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर की शुरुआत की गई है। इस केंद्र के खुलने से ग्रामीण इलाकों के लोगों को काफी फायदा हो रहा है और अब उन्हें छोटी मोटी बीमारियों के लिए शहरों का रुख नहीं करना पड़ रहा। गुमला के सिलम गांव के अंबा टोली में खुले इस हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर ने स्थानीय लोगों की जांच, इलाज और दवा की परेशानी को दूर किया है। गीता लकड़ा अपने बच्चे की तबीयत खराब होने पर उसे इस केंद्र में लेकर आई, जहां इन्हें इलाज के साथ साथ दवा भी मुफ्त में दी गई और आज उनका बच्चा स्वस्थ है। मेरा बच्चा बीमार था तो हम यहां लाए थे दिखाने के लिए, फिर हम मतलब मेरे पास गाड़ी भाड़ा भी पैसा सब भी नहीं रहता है, पर यहां अभी नज़दीक में है तो यहां लाए सिलम में, और दवा यहाँ से मिला, इलाज भी हुआ, फिर मेरा बच्चा ठीक हो गया और यहाँ एक पैसा भी नहीं लगा। पहले छोटी मोटी जांच और इलाज के लिए भी लोगों को शहरों का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब अनिमा बखला जैसी महिलाओं को इस केंद्र ने काफी सहारा दिया है। प्रसव के लिए भी यहीं लाया जाता है और गरीब बच्चों का यहीं इलाज होता है और हम लोग को यहाँ निःशुल्क दवा भी मिलता है। इस केंद्र में डॉक्टर और नर्स की भी तैनाती की गई है, जिसके कारण लोगों को त्वरित चिकित्सीय सहायता मिलने लगी है। जहाँ तक गर्भवती माताओं को ज्यादा सुविधाएं दे रहे हैं, उन लोगों को यहाँ से शहर जाने में बहुत ही दिक्कत होता है, उन लोगों को हम लोग यही सुविधाएं देते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बने इन केंद्रों में गर्भवती महिलाओं और बच्चों की छोटी मोटी बीमारियों में काफी सुविधा मिली है। स्थानीय लोग इस योजना की तारीफ करते नहीं थकते। गुमला से बलदेव शर्मा की रिपोर्ट। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति यह जांच कर सकता है कि लाभार्थियों के फाइनल लिस्ट में उसका नाम शामिल है या नहीं। योजना को संचालित करने वाली नेशनल हेल्थ एजेंसी NHA ने एक वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसके जरिए कोई भी अपने नाम की जाँच कर सकता है। लिस्ट में अपना नाम जाँचने के लिए आप mera.pmjay.in वेबसाइट पर देख सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर 14555 पर कॉल कर सकते हैं। गरीबों को ध्यान में रखकर तैयार की गई यह योजना बेसहारों के लिए एक बड़ा सहारा बन रहा है। गिरिडीह जिले में पैसे के अभाव में गंभीर बीमारियों का इलाज कराने में असमर्थ लोगों को अब बेहतर चिकित्सा की उम्मीद जगी है। गिरिडीह के बरकटा बिरनी के रहने वाले रामेश्वर सोनार की पत्नी हृदय रोग से पीड़ित है। यहीं के बजरंगी वर्णवाल की भी यही परेशानी है। पैसे के अभाव में इन लोगों ने इलाज कराना छोड़ दिया था, अब आयुष्मान भारत से इनकी उम्मीद जगी है। हमारा परिवार के हार्ट के बीमारी सरकार हम इलाज न करे पा रहे गरीब आदमी है, हमारा आयुष्मान कार्ड मिल गए, अब हम जहाँ मन जाते अच्छा अगर हो जाते बैठ जाते। हार्ट का प्रॉब्लम है, पैसा ही चलते हम इलाज नहीं करा पा रहे थे, फिर गोल्डन कार्ड में सरकार गोल्डन कार्ड दे रही है, इसलिए जो इलाज करा रहे थे।
अपना गोल्डन कार्ड बनाने पहुंचे जितेंद्र सिंह की किडनी खराब है और सिंकू शर्मा की पत्नी कलावती देवी लकवाग्रस्त हैं। गोल्डन कार्ड बनाकर ये बाहर इलाज कराने की तैयारी में हैं। किडनी का प्रॉब्लम हो गया है, किसी तरह घर दुआ चला रहे थे, अब इलाज कराने के लिए पैसे नहीं, सरकार मुझे गोल्डन कार्ड दिए है, उससे मैं अपना इलाज कराऊंगा। रमेश कुमार गुप्ता कैंसर से पीड़ित हैं, लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। अब इनकी भी उम्मीद जगी है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से हसीना खातून और मोहम्मद इरफान के हौसले भी बढ़े हैं। हम टेम्पो चलाने वाले, हमको कैंसर हो गया है और दो गो बाल बच्चा है मेरे पास, उसका देखा नहीं पा रहे कहीं पर, हमको बना ले दिया गोल्डन कार्ड और उससे हम देखा सकते हैं कहीं भी बाहर। हमको पथरी है और इसका इलाज हम नहीं करा पाते हैं और गोल्डन कार्ड सरकार दे दी है जिसके कारण और हम अपना इलाज करा सकते हैं। आर्थिक रूप से तंगहाल लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना किसी वरदान से कम नहीं है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। गंभीर बीमारी परिवार की आर्थिक नींव हिला देता है, ऐसे में आयुष्मान भारत योजना रवि लाल जैसे गरीब मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये है सिल्ली के रहने वाले रविलाल महतो। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ देते हुए इनका रांची के सदर अस्पताल में हर्निया का सफल ऑपरेशन कराया गया और अब ये पूरी तरह स्वस्थ हैं। बीमार तो हर्निया का थी, उसके बाद मैं यहाँ आया, सबसे मिला, उसके बाद सर ने पूछा कि राशन कार्ड है, तो मैंने कहा सर हाँ है, तो वो बोले कि राशन कार्ड लेके आओ, थोड़ा सा कुछ फ्री होगा। फिर मैं आया तो यहाँ का एक भाई ने बोला कि राशन कार्ड दो, फिर वो गोल्डन कार्ड बना दिए, उस कार्ड से मेरा ऑपरेशन हो चुका है और अभी ठीक है। हालांकि रविलाल के परिवार वालों को उनकी बीमारी की जानकारी पहले से थी, लेकिन पैसे के अभाव के कारण उनका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था। आयुष्मान भारत से रविलाल का शारीरिक कष्ट और उनके परिवार का मानसिक तनाव दूर हो गया। आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त में इलाज हो रहा है और मैं जितना गरीबों का सबका फायदे हो रहा है जितना भी है, और मैं मोदी जी से उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इतना गरीब है सबका इतने मुफ्त इलाज हो रहा है। आयुष्मान भारत गरीब तबके के लिए संकट मोचन साबित हो रहा है, जिससे पुराने से पुराने कष्ट दूर हो रहे हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत झारखंड के गरीबों और वैसे लोगों के लिए जिन्होंने इलाज की आस छोड़ दी थी, उनके लिए उम्मीद की एक नई किरण है। इस महत्वाकांक्षी योजना से स्वस्थ झारखंड, समृद्ध झारखंड का सपना साकार हो सकेगा। आयुष्मान भारत की इस खास कड़ी में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।